फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि आज मैं आलू की भुजिया बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने आलू को बहुत पतले पतले से और लंबी कटिंग कर ली है और मैंने उसे पानी में बहुत अच्छे से धो लिया। आप लोग देख सकते हैं हमारी आलू की भुजिया एकदम साफ़ हो चुकी है। अब हम सबसे पहले कढ़ाई गर्म कर लेंगे और उसमें हम सरसों का तेल डालेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि हमारी तेल गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें लाल मिर्च का फ़ोरन डालेंगे। जब ये लाल मिर्च का फ़ोरन पक जाएगा, इसके बाद हम आलू की भुजिया इसमें डाल के फ्राई करेंगे अच्छे से। ये हमारी आलू की भुजिया है, मैंने इसे पानी में से निकाल लिया है। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं मैं आलू की भुजिया भी इसमें डाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, हमें इसे मतलब मीडियम आंच पे यानी कि धीमी आंच पे इसे फ्राई करते रहना है। और इसे हाफ फ्राई हो जाने के बाद हम इसमें नमक, हल्दी और लहसुन का पेस्ट और मरीच का पेस्ट बना के डालेंगे। देख सकते हैं कि हमारी आलू की भुजिया हाफ फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। इसके बाद हम इसमें हाफ स्पून हल्दी डालेंगे। अब मैं काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ हाफ स्पून, और ये मैंने लहसुन का पेस्ट बनाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं मैंने सबको मिक्स कर लिया है। अब हम इसे धीरे धीरे फ्राई करते रहेंगे। आपकी भुजिया बनके रेडी हो चुकी है। तो ये है हमारा बिहारी स्टाइल आलू की भुजिया बनाने का। तो आप लोग भी इसे घर में बनाइए और मेरे चैनल को प्लीज़ 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 लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।